हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बीज गणित एवं त्रिकोणमिति के अंतर्गत संश्लेषित विभाजन विधि से किसी भी बहुपद का भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो एन घात का एक बहुपद निम्न है। कोई बहुपद है एन घात का, ए जीरो एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ये कोई बहुपद है। इस बहुपद को यदि हमको भाग देना है, मान लो सपोज x माइनस एच से, तो भागफल और शेषफल कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ कोने में हम लिखेंगे x माइनस एच है, तो h को हम लिखेंगे यहाँ कोने पे, ये ऐसा। ठीक, x को कोने में लिख लिए। भाग देने से पहले एक चीज और ध्यान देना है, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हमको पूर्ण बहुपद के रूप में लिखना है। पूर्ण बहुपद के रूप में लिखना है, इसका क्या मतलब हुआ, यदि कोई पद छूटा हुआ है तो उस पद में जीरो का इंटू करके उस पद को भी हमको लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे एच को। एक्स टू दी पावर एन का जो गुणांक है ए जीरो, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये ए जीरो। ठीक, नीचे में यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ए जीरो की, उसी को हम मान लेंगे बी जीरो। उसके बाद अगला वैल्यू जो है a1, इसको हम लिख लेंगे, ये a1 हो जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा b0, उसको h के साथ गुणा करना है, तो ये हो जाएगा h इंटू बी जीरो। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे b1। अगला वैल्यू आ जाएगा हमारा a2, ये हो जाएगा a2। b1 और h को हम इंटू करेंगे तो h इंटू b1 हो जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे, हमको मिल जाएगा b2। ठीक है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ जाएगा ए एन माइनस वन, यहाँ एच के साथ बी की जो भी वैल्यू रहेगा उसको अपन इंटू करेंगे और इसको प्लस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको अपन लिखेंगे बी एन माइनस वन, और लास्ट में फिर से यहाँ से अपन लिख देंगे ए एन, और फिर से एच को हम इंटू कर लेंगे किसके साथ, बी एन माइनस वन के साथ, और लास्ट में जो वैल्यू बचेगा वो हमारा कहलाएगा आर, आर दैट मीन्स रिमाइंडर। अब हमारा जो भागफल है उसको हम कैसे लिखेंगे, भागफल इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो बी जीरो है इसको हम लिखते चलेंगे। ठीक है, जितना घात एफ एक्स रहेगा उससे एक कम घात हमारा भागफल आएगा। एक्स का पावर एन है स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका एक कम घात से, दैट मीन बी जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर अगला आ जाएगा कोफिशियंट बी वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू। फिर अगला कोफिशियंट आ जाएगा बी टू एक्स का पावर एन माइनस थ्री प्लस एंड सॉन, इस तरह से लास्ट तक जाएगा और सबसे आखिरी में आ जाएगा बी एन माइनस वन। यह जो है वह भागफल कहलाएगा। ठीक है, और शेषफल कौन सा कहलाएगा, शेषफल 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 बराबर हम लिखेंगे आर, जो लास्ट में बचा वाला वैल्यू है वो आर कहलाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, भागफल और अवशेष ज्ञात कीजिए जब x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 8x माइनस 135 को x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। fx इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 माइनस 3x का पावर 4 प्लस x का क्यूब। इसको पहले पूर्ण बहुपद के रूप में लिखेंगे अपन, क्योंकि x स्क्वायर पद नहीं है, इसको भी हम लिख लेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस 8x और माइनस 135। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी h की वैल्यू हो गई वो है 4, तो 4 को यहाँ हम लिख लेंगे कोने में, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसके गुणांक को लेते जाएंगे, x पावर 5 का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन यहाँ गुणांक 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 1। ठीक, उसके बाद अगला गुणांक को लेते हैं, अगला गुणांक है माइनस 3, ये माइनस 3 हो जाएगा। इस 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर से इसका गुणांक लेते हैं एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, 1 लिख लेंगे, इस 1 को इंटू करेंगे 4 के साथ, ये 4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और 4, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, अगला गुणांक आ जाते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 लिख लेंगे,
5 को इंटू करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 20, दोनों को फिर से प्लस कर लेंगे, ये मिलेगा आपको 20। अगला गुणांक ले लेते हैं -8, 20 को इंटू करेंगे 4 से, ये हो जाएगा आपका 80, दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 72। ठीक है, लास्ट में बचा है -135। ठीक, 72 को इंटू करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 हुआ और 7 चौक 28, 288। ठीक है, 288 में से 135 को माइनस कर देंगे, ये मिलेगा हमारा 3, 5 और ये 1, 153। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो हमारा भागफल है, भागफल, ठीक है, भागफल को हम कैसे लिखेंगे, यहां से गुणांक को लिखना चालू करेंगे, और एक्स के किस घात से लिखना चालू करेंगे, यहाँ पे 5 है तो हम एक्स पावर 4 से स्टार्ट होगा ये, तो एक्स पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स पावर 4, फिर क्यूब का गुणांक मिलेगा अपने को 1, तो ये एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 5 एक्स का स्क्वायर प्लस 20 एक्स और प्लस 72, ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, और शेष फल क्या होगा, शेष फल जो लास्ट में वैल्यू आई है वह हमारा मिलेगा शेष फल 153। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुपद एक्स पावर 5 प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 4 को एक्स प्लस 2 द्वारा मॉडुलो 5 के अंतर्गत भाग देने से भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक यहाँ पे एक नया शब्द मिला है आपको, मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 क्या है, मॉडुलो 5 जो है एक संक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कॉल करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं अपन। एक होता है योग मॉडुलो, योग मॉड्यूलो, क्या होता है योग मॉड्यूलो, योग मॉड्यूलो को हम इस तरह से लिखते हैं, सपोज मान लो ए प्लस मॉड्यूलो एम बी इज इक्वल टू आर, क्या पढ़ते हैं इसको अपन, ए प्लस मॉड्यूलो एम बी इज इक्वल टू आर। आर क्या चीज है, आर जो है ए और बी को जोड़ने के बाद, ठीक है, एम से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा वो आर है, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस मॉडुलो 5 2 इज इक्वल टू, 6 प्लस मॉडुलो 5 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, 6 और 2 को प्लस करेंगे जितना हुआ 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेष फल आता है वही इसकी वैल्यू कहलाएगी। कैसे होगा, ये 8 आ जाएगा, इसको अपन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन टाइम में जाएगा और ये शेष फल हमारा बच जाएगा 3, तो इसका जो आंसर होगा कितना आ जाएगा 3। इस तरह से अपन योग मॉडुलो को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से गुणन मॉडुलो होता है, गुणन मॉडुलो क्या होता है, गुणन मॉडुलो इसमें लिखते हैं ए गुणन मॉडुलो एम बी इज इक्वल टू आर। इसमें हम क्या करते हैं, ए और बी को आपस में गुणा करते हैं, एम से भाग देते हैं और एम से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही आर की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मान लो 7 गुणन मॉडुलो 5 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 21, 21 को भाग देंगे 5 से 5 24, एक शेषफल बचेगा, तो इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो इस तरह से अपन गुणन मॉडुलो और योग मॉडुलो को डिफाइन कर सकते हैं, इसी संक्रिया के तहत हमको भाग देना है। ठीक है, इसमें एक चीज और है, देखिए ए कॉन्ग्रूटेंट टू बी मॉड एम, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि ए के जगह हम बी लिख सकते हैं मॉड एम के लिए। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, यदि ए माइनस बी एम से पूर्णतः विभाजित है, ए माइनस बी को एम से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता, तो हम ए की जगह बी को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 कॉन्ग्रूटेंट टू मॉड 5। ठीक है, 7 किसके कॉन्ग्रूटेंट होगा, 7 में हम क्या घटाएंगे कि वो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, 7 में अपन 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 7 कॉन्ग्रूटेंट होगा किसके, 2 के। ठीक है, इसमें हमको उसी वैल्यू को रिप्लेस करना है जो 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ी हो या कोई निगेटिव संख्या हो। ठीक है, ये 3 ही चीज है, 3 कंडीशन, आई बात समझ में, क्या क्या हो, या तो वो वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो या कोई निगेटिव है, तभी उसको हम रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे। ठीक है,
आई बात समझ में ये? पूर्ण बहुपद के रूप में लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, 4 वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 2 से हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे एक्स प्लस 2 है तो अब एच की वैल्यू क्या हुई, एच की जो वैल्यू है वो माइनस 2 हो गई। ठीक है, माइनस 2 का अपन यहाँ कोने पे लिख लेंगे, ये माइनस 2 हुआ। अब एक एक करके गुणांक को लेते जाएंगे, एक्स पावर 5 का गुणांक 1 है, ये 1 हो गया, नीचे में हमारी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। ठीक है, अगला गुणांक क्या है, 0, ये 0 हो गया, 1 को इंटू करेंगे माइनस 2 से, ये हमको मिल जाएगा माइनस 2। अब देखिए मैंने क्या बोला था, यदि कोई वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है या कोई निगेटिव नंबर है तो उसको हमको चेंज करना है। यहाँ पे माइनस 2 है तो माइनस 2 को हमको बदलना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 2 में हम क्या संख्या घटाएं कि वो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाए। माइनस 2 में यदि हम माइनस 3 और घटा देते हैं तो ये माइनस 5 आ जाएगा और माइनस 5 जो है वो 5 से पूरा पूरा कट जाता है। कितने बार में जाता है उससे मतलब नहीं है, ये पूरा कटता है कि नहीं कटता इससे मतलब है। ठीक है ना, तो माइनस 2 जो है वह कॉन्ग्रूटेंट है किसके, 3 के, तो माइनस 2 कॉन्ग्रूटेंट टू 3 मॉड 5, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इनको आपस में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉन्ग्रूटेंट टू 3 मॉड 5। ठीक है, आई बात समझ में। अगला वैल्यू लेते हैं, अगला वैल्यू भी 0 है, ये 0 हो गया। अब हम 3 से इंटू करेंगे, माइनस 2 से नहीं करेंगे, तो 3 को माइनस 2 से इंटू किए माइनस 6 हो गया। माइनस 6 किसके कॉन्ग्रूटेंट होगा, माइनस 6 में अपन क्या घटाएं कि वो 5 से भाग चला जाए, तो माइनस 6 में अपन 4 माइनस कर देंगे तो माइनस 10 बनेगा और माइनस 10 जो है वो 5 से डिवाइडेड है, दैट मीन माइनस 6 किसके कॉन्ग्रूटेंट हो जाएगा, 4 के, तो 4 मॉड 5। इसको हम फिर से जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 6 कॉन्ग्रूटेंट टू 4 मॉड 5। ठीक है, अगला वैल्यू लेते हैं, अगला वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2 को ले लिए, 4 को इंटू करेंगे माइनस 2 के साथ माइनस 8 आ जाएगा। माइनस 8 किसके कॉन्ग्रूटेंट होगा, माइनस 8 में अपन 2 माइनस करेंगे माइनस 10 बच जाएगा, दैट मीन्स माइनस 8 कॉन्ग्रूटेंट टू 2 मॉड 5। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, ये दोनों के साथ प्लस होगा। ठीक है, तो 2 और माइनस 8 ये हो गया माइनस 6 कॉन्ग्रूटेंट टू और ये हो गया 4 मॉड 5। ठीक है, अगला वैल्यू लेते हैं, अगला वैल्यू है हमारे पास माइनस 1, ये माइनस 1, ये फिर से माइनस है, तो माइनस 1 किसके कॉन्ग्रूटेंट होगा, माइनस 1 में अपन क्या माइनस करें कि वो 5 से भाग चला जाए, माइनस 1 में अपन 4 माइनस कर सकते हैं, तो ये माइनस 1 कॉन्ग्रूटेंट हो जाएगा 4 के, 4 मॉड 5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारा 4 है, 4 को माइनस 2 से इंटू करेंगे माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 8 कॉन्ग्रूटेंट होगा किसके, 2 के, ये हो गया 2 मॉड 5। ठीक है, फिर से इसको अपन जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 9 कॉन्ग्रूटेंट हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और ये मिल गया हमको मॉड 5। ये फिर से देखिए वापस 6 है, ये 6 है मतलब 5 से बड़ी है, इसको वापस फिर बदलना पड़ेगा, तो 6 में अपन क्या माइनस करेंगे, 6 में 1 माइनस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा और 5 जो है वो 5 से डिवाइडेड है, तो 6 किसके कॉन्ग्रूटेंट हो जाएगा, 1 के कॉन्ग्रूटेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अगला वैल्यू लेते हैं 4, ये 4 हो गया, 1 को इंटू करेंगे माइनस 2 से, तो ये हमारा मिल जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 किसके कॉन्ग्रूटेंट होगा, माइनस 2 जो है वो 3 के कॉन्ग्रूटेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये मॉड 5। ठीक है, इनको आपस में फिर जोड़ लेते हैं, 4 और माइनस 2 2 हो गया कॉन्ग्रूटेंट 2 और 4 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 7 और ये मिले हमको मॉड 5। फिर से ये देखिए 7 हो गया, 7 मतलब 5 से बड़ी संख्या है, फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो 7 किसके कॉन्ग्रूटेंट होगा, 7 2 के कॉन्ग्रूटेंट होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7 के जगह पर फिर से 2 लिख सकते हैं मॉड 5। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब हमारा जो भागफल है, भागफल उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा एक्स पावर 5 में बहुपद है तो ये एक्स पावर 4 से स्टार्ट हो जाएगा, एक्स पावर 4 का गुणांक हो जाएगा 1, ये एक्स पावर 4 यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हमको लिखना है, ये हुआ 3x का क्यूब, उसके बाद आ जाएगा 4x का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 4x, उसके बाद आ जाएगा 1, ये प्लस 1। ठीक है, और जो जो लास्ट में बचा है वो है हमारा शेष फल, तो शेष फल हमको मिल जाएगा
क्षेत्रफल इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, आज के वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।